में भी आप सर्च कीजिए, पता चल जाएगा कि पहले क्राइम ज्यादा होता था और कि अभी ज्यादा हो रहा है। तो काम ही उनका आरोप लगाना है ना। बिल्कुल गलत, ये दुशासन की सरकार है, कहीं पर कुछ हो नहीं रहा है। हर जगह महिलाओं के साथ बेसलूकी की जा रही है, बच्ची के साथ हर जगह का देखिएगा कि बलात्कार हो रहा है। तो जांच क्यों नहीं करवाते हैं? अरे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना। नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है कि जब आरजेडी की सरकार थी तो बिहार वासियों को लूटा गया, अत्याचार करवाए गए, कई सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के कई नेताओं की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी की विधायक मंजू अग्रवाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जब 15 सालों तक आप लोगों की सरकार थी तो लगातार लोगों को लूटा गया, अत्याचार की गई, अपराध बेलगाम था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे और अभी 15 साल से किनका राज है, अभी क्या हो रहा है, इसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते हैं बताइए? अभी जाके पूछिए सत्ताधारी के लोग को पूछिए कि अभी क्या चल रहा है 15 साल से। आंकड़ा निकाल लीजिए, आंकड़ा को देखिए, गूगल में भी आप सर्च कीजिए, पता चल जाएगा कि पहले क्राइम ज़्यादा होता था और कि अभी ज़्यादा हो रहा है, आपको जानकारी मिल जाएगी। लगातार आरोप तो वो लोग लगा रहे हैं विपक्ष पर, सत्ता तो काम ही उनका आरोप लगाना है ना। और हमारी पार्टी, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, ये गरीब गुरुओं की पार्टी है और यहाँ गरीब गुरुओं को सम्मान दिया जाता है, उसकी हक की लड़ाई लड़ी जाती है हमारी पार्टी। और देखिए हर जगह अभी भी देख लीजिए, कोरोना काल में भी देखे होंगे, इतना सराहनीय कार्य हमारे माननीय लालू जी के सपुत्र तेजस्वी जी कर रहे थे, बताइए कि इतना अच्छा कार्य, सभी लोगों से मिलना जुलना। अब जाके जनता के बीच में जाइए तब बताएंगे ना कि हम लोग की आवाज़ है, गरीब गुरुओं की आवाज़ है राजद परिवार, और हम लोग सब कार्य गरीबों के हित में करते हैं। जदयू तब से बयान आता है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उनके आपसी में जो है काफ़ी मतभेद चल रहे हैं, कभी पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं तो कभी तेज प्रताप यादव गायब हो जाते हैं, इसको लेकर लगातार बयान। देखिए ये सब गलत बात है, वो सब क्या आप कोई भी मतलब पार्टी में देख लीजिए, जदयू में कम घमासान चल रहा है क्या, वो अपनी बातों को क्यों नहीं कहते हैं? हैं हाँ, आरसीपी सिंह का पोस्टर से गायब हुए ना, बताइए। सुग्रीव और बाली की जोड़ी बताते हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को, कहते हैं वो कभी एक नहीं होंगे। कौन कहते हैं, कौन लोग कहते हैं? जदयू वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुग्रीव और बाली की जोड़ी है तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की। देखिए ये दोनों लव कुश जैसा भाई हैं और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, वैसा कुछ भी बात नहीं है। ये लोग बढ़ा चढ़ा के लोग कहते हैं, ये सत्य बात नहीं है। जातीय जनगणना पर सत्ता पक्ष भी समर्थन दे रहा है जातीय जनगणना करवाने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष भी लगातार, अरे होना चाहिए ना, एकदम सत्य बात, ये तो होना ही चाहिए कि कौन जाति का कितना आबादी है, ये पता कैसे चलेगा बताइए? सत्ता पक्ष भी इसमें समर्थन दे रहा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि करवाएंगे लगातार। नहीं नहीं, एकदम होना ही चाहिए, ये आवाज़ बिल्कुल सत्य है, होना चाहिए, ये होगा तभी पता चलेगा आपका ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा जितने भी लोग हैं, पता चल पाएगा कि लोग कितनी आबादी हैं, लोग का सुविधा भी होगी सरकार को। अच्छा, 15 सालों से जनता दल यू की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 16 साल होने जा रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कितना हद तक लग रहा है? बिल्कुल गलत, ये दुशासन की सरकार है, कहीं पर कुछ हो नहीं रहा है, हर जगह महिलाओं के साथ बेसलूकी की जा रही है, 5 साल के बताइए बच्ची के साथ हर जगह का देखिएगा कि बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ तक कि देखे दलित महादलित को जो भी 3-4 बच्चे के माँ हैं उनको भी लोग बताइए शराबी की लत से और उसको गलत करके जान मार रहे हैं, तो यही सब तो हो रहा है सत्ताधारी के लोग, यही सब तो हो रहा है, तो जांच क्यों नहीं करवाते हैं? अरे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना, सारे लोग तो त्राहिमाम है, ना कोर्ट ना ये थाना आपका सुन रहा है और ना सीओ सुन रहा है, गरीब लोग त्राहिमाम डेली आके, हम लोग तो कम से कम 100 से 200 बार तो हम लोग हर जगह फ़ोन करते हैं कि ये काम गलत क्यों हो रहा है, इनको क्यों नहीं कर रहे हैं, हर जगह बस जो पैसा दिया, जिसके पास पैसा है उसका काम हो रहा है, घुसखोरी एकदम चरम सीमा पर है, गरीब लोग का तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरुओं की आवाज़ बने तो उन्हें अनाप शनाप कहा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी हमेशा से गरीब गुरुओं की आवाज़ बन के रहे हैं और वो गरीब गुरुओं के मसीहा हैं और उनके हित की बात करते हैं
और जनगणना तो होना ही चाहिए कि पता चले, ये एकदम होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो ये राज्य सरकार को करवानी चाहिए, ये अति आवश्यक है। तो ये RGD की विधायिका मंजू अग्रवाल थी जिन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार बिल्कुल भी नहीं है, दुशासन की सरकार है। कई सारी बातों को इन्होंने रखा, कहा कि महिलाओं के साथ अभी बदसलूकी जारी है, इनके सरकार में कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।